Bismillahirrahmanirrahim. alaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing well, and you should do well. Okay, guys. So I am back here, and I am back with another video, as usual. But um, unlike other days, uh, I have something to say. This to everyone who is watching me, who is listening me who loves uh, listening me and first of all i want to say this and i literally have to say this literally literally i would like to pay thanks to all of my viewers all of my subscribers all of uh, the students who are constantly constantly asking me for the guidance videos again and again and they are pushing me up kaya videos where i Uh, मैं किस तरह से वीडियोस बनाती हूँ जब भी कोई मुझे पर्सनली डीएम करता है कि हमारा ये क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और जब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिससे मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में हो सकता है और बहुत सारे लोगों के जहन में इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं सो मुझे ऐसा फील होता है कि आई शुड गाइड देम और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा फील होता है मुझे पर्सनली कि अगर मुझे कोई चीज़ पता है एंड इफ़ आई नो अबाउट इट इफ़ आई हैव सम इंफॉर्मेशन सो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी एज अ सीनियर और आप मुझे कुछ भी समझ लो इस तरह से तो मेरी ये रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं आप सबको इससे रिलेटेड गाइड करूं सो so, सबसे पहले तो उन सबका शुक्रिया और लिटरली आइज़ आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस एंड it was literally unplanned. This YouTube यूट्यूब चैनल इज़ लिटरली अनप्लान्ड अल्लाह गवाह है कि ये जो चैनल है ना ये चैनल बना सिर्फ और सेफ़ तब जब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया डिफरेंट क्वेश्चंस किए कुछ मेरे जूनियर्स थे कुछ मेरे स्टूडेंट्स ही थे जो मुझसे पूछते हैं और कुछ uh, ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया से अप्रोच किया और देवर लाइक आस्किंग मी कॉन्स्टेंटली द सेम क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स है तकरीबन स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है तकरीबन स्टूडेंट्स की एक जैसी क्यूरीज ही होती है तो पहले तो मैं पर्सनली सबको रिप्लाई कर देती थी, थी बट वंस दिस हैपन के एक स्टूडेंट मेरा जिसने मुझे सजेस्ट uh, किया कि वाई शुड एंड आई मे का यूट्यूब चैनल एंड आई शुड अपलोड वीडियोज़ देयर ताकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी माइट बी हेल्पफुल दिस वीडियोस माइट बी हेल्पफुल फॉर देम सो मैंने सोचा कि नहीं यार अभी यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते बहुत मेहनत है इसमें और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और वाकई में दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग इस वीडियो के लिए स्लाइड बनाना एक एक बात को आप सब के लिए याद करना एक एक पॉइंट को यहाँ पे लिखना और फिर उसको एलाबोरेट करना दिस इज़ एंड ईजी एज इट लुक लाइक लेकिन ऐसा नहीं है मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और आई लिटरली लिटरली आई एम सो मच थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज हु आर अप्रिशिएटिंग माई वर्क एंड हु आर लविंग माई वर्क सो थैंक यू गाइज दिस चैनल इज जस्ट फॉर यू एंड दिस वॉज एज आई सेड कि ये चैनल बिल्कुल अनप्लान था बट एज आई सेड के एक स्टूडेंट के कहने पे मैंने ये चैनल बना दिया रैंडमली वन डे आई थॉट आई शुड ट्राई इट सो जस्ट ट्राई करने में मैंने ये वीडियो बनाई uh, चैनल बनाया वीडियो बनाई वीडियो बना के अपलोड की जस्ट रैंडमली लिटरली अल्लाह तवा है इट इज रैंडमली ओके सो इसके बाद लेकिन आफ्टर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑफ यूर गाइज दिस वॉट मोटिवेटेड मी टू मेक मोर वीडियोज एज वेल सो गाइज मेरी पिछली वीडियोस पे भी बहुत व्यूज़ आए बहुत uh, मुझे स्टूडेंट्स ने और डिफरेंट दूसरे लोगों ने जिन्होंने वीडियो वॉच की और उन्होंने मुझसे अप्रोच किया ऑन इंस्टाग्राम एंड दे वर लाइक थैंकिंग मी एंड मैं इतना खुश हुई उनको देख के मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे लगा कि वाकई में जो मेरी वीडियोज़ का पर्पज़ है वो पूरा हो रहा है तो गाइज थैंक यू सो मच काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई तो हम आज के टॉपिक पे आते हैं मुझे लगा कि पिछली वीडियोस को अपलोड करने के बाद बच्चों की क्यूरियस ख़त्म हो गई होंगी लेकिन अभी तो एक बहुत बड़ा महाज रहता था वो क्या है वो है जे एस एम यू इंटरव्यू गाइडेंस जे एस एम यू यानी कि जनाचंद मेडिकल यूनिवर्सिटी हर साल क्या करती है हर साल जब वो कोई भी फील्ड का टेस्ट लेती है तो पर्सनली वो उनका अपना जो है हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है और उनके यहाँ इंटरव्यू तो लाजमन लाजमन होता ही है और इस इंटरव्यू का मकसद क्या है वो ये है कि एनालाइज यू वो आपके मेंटल अप्रोच तक पहुंचना चाहते हैं वो देखना चाह रहे हैं एनालाइज करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की क्या अप्रोच है ठीक है तो चलते हैं जे यानी जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी इंटरव्यू गाइडेंस की तरफ मूविंग फॉरवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन कहीं पे भी किसी भी लेवल पे पूछा जाता है आप चाहे किसी भी आ, उस पर जा रहे हैं लाइक अगर आप प्रोफेशनली इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो उसमें भी आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है वो क्या होता है वो होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इंट्रोड्यूस ये इंट्रोडक्शन इज अ बेसिक एंड अगर ऑफिशियल लेवल पे भी जा रहे हो तो भी इंट्रोडक्शन इज द बेसिक एंड फंडामेंटल क्राइटेरिया फॉर हीच एंड एवरी वन ओके सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं डैम बूम यार मतलब क्या हो गया इंट्रोडक्शन मांग गया अरे भाई नाम ही बताना है अपना इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है इंट्रोडक्शन ही तो देना है लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लैक ऑफ अवेयरनेस स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज़ में मार खा जाते हैं हमेशा उन अपने इंट्रोडक्शन को नहीं सही से आ, बोल पाते नहीं कन्वे कर पाते अपनी बात उनका वे ऑफ डिलीवरेंस उनकी ये सारी चीज़ें जो है ना ये उनके जो है ना मार्क्स डिटक्ट करवाती हैं इंटरव्यू में ओके और एज एज़ आप किसी ऑफिशियल लेवल पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो भी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो भी आपके जो है मार्क्स डिटेक्ट होते हैं ओके तो इंट्रोडक्शन में आपने ये नहीं बोलना सबसे पहले तो माय नेम नो भाई आप थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं हो छोटे से कि आप इसमें ना आके बोलोगे माय नेम इज और इस तरह से तो माय नेम इज बोलोगे तो मतलब वहीं पे आप लोगों का जाना गेम ओवर है ठीक है यहीं से सारा गेम स्टार्ट है और यहीं पे सारी गेम की एंडिंग है ओके सो इंट्रोडक्शन इज द बेसिक एंड फंडामेंटल की आपने किस तरह से इसको अपना इंट्रोडक्शन uh, देना है यू कैन यूज मल्टीपल ऑप्शन लाइक इफ मैं अपना इंट्रोडक्शन दे के दिखाऊ सो मैं अपना अगर इंट्रोडक्शन दू लेकिन एक चीज इसमें आप लोगों ने अपनी क्या बतानी है अपने नाम के साथ जैसे माई सेल्फ मेग ओके तो माई सेल्फ यू कैन यूज यू कैन यूज मल्टीपल अदर ऑप्शन एज वेल ओके तो इसके साथ आप लोग अपना क्या अकेडमिक रिकॉर्ड बताओगे ओके अब आप अकेडमिक रिकॉर्ड क्यों बताओगे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है अपनी परसेंटेज वगैरह बता देना ये सब ये सब चीजें क्यों भाई इसलिए क्योंकि यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ यू आर इंट्रोडक्शन डजन एंडस हेयर इतना रिस्ट्रिक्ट लिमिटेड नहीं है आपका इंट्रोडक्शन यू हैव टू टेल दम अबाउट योर सेल्फ लेकिन अब ये भी नहीं है कि भाई आप अपनी जो है ना अपने आपके बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने लग जाए नहीं ऐसा नहीं है इंट्रोडक्शन में आप अपने अकेडमिक रिकॉर्ड बताएंगे अगर आप लोगों ने उसमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हैं तो आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का जिक्र करेंगे सब मैंशन करेंगे बिकॉज इट जस्ट इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे अपनी चीज़ों को एलोबोरेट नहीं करना अपनी जो भी हैं वो सब आपसे आगे पूछेंगे तो इंटरव्यू का मकसद ये होता है ठीक है तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा इंट्रोडक्शन में अच्छे से मतलब आ, सही से अपना नाम बोल के अपना अकाडमी के रिकॉर्ड बना लें अपनी परसेंटेज बताओ अपना कॉलेज का नाम बताओ आ, जैसे मैं पी कॉलेज से हूँ तो आ, मैं मैंने बताया था आई एम फ्रॉम बी एम एम पीई सी एच एस कॉलेज सो अपने कॉलेज का नाम बताओ के और मतलब अपना अकाडमिक रिकॉर्ड यानी कि आपके परसेंटेज क्या है परसेंटेज के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोई ऑनलाइन कोर्स किया है किसी और एक्टिविटी में रह चुके हो कॉलेज में किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था या किसी और जैसे प्लेज वगैरह होते हैं उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों ने की है वो भी आप बता सकते हो इंट्रोडक्शन में ठीक है लेकिन अगेन यहाँ पे एलाबोरेट नहीं करना है ओके मूविंग फॉरवर्ड जिस क्वेश्चन आज बिना आज मल्टीपल टाइम्स बाय डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स और ऑफिशियल लेवल पे भी आपसे स्ट्रेंथ्स पूछी जाती हैं और वीकनेसेस भी पूछी जाती हैं सो व्हाट आई सेड आई क्रिटिकल थिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल देन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स देन डिजिटल मार्केटिंग सो वन बाय वन हम पहले देखते हैं कि, uh, किस को क्रिटिकल थिंकिंग को भाई क्रिटिकल थिंकिंग क्या है क्रिटिकल थिंकिंग मैंने इसलिए बोला बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग इज वॉट क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा है कि आप किसी चीज़ के बारे में कितना डीपली सोच सकते हैं कितना डीपली उसको समझ सकते हैं कितनी आपकी अप्रोच है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिटर फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट जेनेटिक्स तो आपकी जेनेटिक्स में कितनी अप्रोच है क्या आप क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के बारे में जानते हैं क्या आप जानते हैं कि जो डीएनए है वो हैरिडेटिंग मटेरियल है बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एट बेसिक लेवल लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग यही है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है ठीक है तो तो आर द स्ट्रेंथ्स ओके नेक्स्ट इज जो है ना में पे अगर मैंने बॉन्डिंग लिख दिया तो ना तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर या फिर नाइन्थ में या फिर आप केमिस्ट्री ओवरऑल देख लो यहाँ पे केमिस्ट्री के बॉन्डिंग के चैप्टर की बात नहीं हो रही और ना ही उन बॉन्डिंग्स की बात हो रही है जिनका आपके जहन में जो है वो ख्याल आ रहा होगा ये बॉन्डिंग्स किस चीज से रिलेटेड okay, uh, पे काम कर रहे हो और उस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या है आप लोगों के पास दस से पंद्रह लोगों का जो है ना वो ग्रुप बन गया ठीक है अब दस से पंद्रह लोगों का जब ग्रुप बन जाएगा ना तो उसमें क्या होगा आपको क्या करना है आपको उन दस पंद्रह लोगों में ना अः दस पंद्रह लोगों में आप लोग

मैं और अब मैंने लगा कि मुझे इसमें बोलना चाहिए सो so, मैंने ये बोल दिया आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ देख सकते हो कि आपको क्या बोलना है या आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यही बेसिक क्वेश्चन होते हैं तो आप इस क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है तो आप लोग अपने हिसाब से सेट से कर सकते हो चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो ओके मूविंग फॉरवर्ड Uh, एक और इम्पॉर्टेंट uh, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है वो है वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन द फॉर्म डी फील्ड ओके सो फॉर्म डी फील्ड को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ये क्वेश्चन भी जो है ना वो पूछा जाता है किस में इंटरव्यू में अगर तो दो टीचर्स एक साथ आपका या तो वाइवा ले रहे हैं ये वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और और कभी कभार आप लोगों से वाइवा में फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और अम्म जितनी भी चीजें मैंने पिछली बताई तो वाइवा में भी बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो काम आ रही होती है जाहिर सी बात है अब आपसे वायवा में इंट्रोडक्शन तो लेंगे नहीं हाँ बेसिकली वो आपसे इंट्रोडक्शन ले सकते हैं अगर आप अनाटमी का दे रहे हैं तो वो बोले अनाटमी क्या है वो इन सब चीजों का पूछ सकते हैं ठीक है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये जो है ना ये आप लोगों के लिए कहाँ पे भी फ्रूटफुल है ये आप लोगों के लिए वाइवा में भी है और इंटरव्यू में भी हो होके कमिंग बैक टू द क्वेश्चन हैज़ आर्स मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट इंटरव्यूज किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो यहाँ पे हम फॉर्म डी की uh, बात करें स्पेसिफिकली तो मैंने फॉर्म डी लिख दिया आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड है आप ये चीज़ें देख सकते हैं ठीक है वाइट यू वॉन्ट टू जॉइन फॉर्मडी फील्ड अब आप लोग मुझे नहीं पता आप लोग कितनी एक्सप्लोर चीज़ें करते हो कितनी नहीं करते रिसर्च वर्क अच्छा होना चाहिए आप लोगों का लेकिन नहीं है तो भी कोई बात नहीं मैं आप लोग को बता दूं कि भाई फॉर्म डी की फील्ड में क्या है फॉर्म डी की फील्ड में हम क्यों जाते हैं अब मैंने रिसर्च की हुई थी और रिसर्च बेसिकली रिसर्च में ही की थी रिसर्च बेसिकली रिसर्च में क्यों की थी क्योंकि भाई क्या होता है कि ना जब हम फार्मेसी पढ़ते हैं ना तो फार्मेसी में डिफरेंट वैक्सीन भी बन रही होती हैं डिफरेंट ड्रग्स की फॉर्मूलेशन हो रही होती है उन सब के बारे में मैं अपनी पिछली फर्स्ट वीडियो में बात कर चुकी हूँ तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं तो uh... हम उसमें रिसर्च करते हैं तो मैंने उनसे कहा था कि मैं ये इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स इन माय वीडियोज़ दैट फॉर्म डी ऑलवेज मेंट टू बी माय प्लान बी सो मैं अपने प्लान बी पे भी जो है ना uh, रिसर्च करती रहती थी, थी तो फॉर्म डी फील्ड में रिसर्च में भी आप जा सकते हैं तो आई जस्ट सेट इट के यार मतलब आई शुड गो फॉर फॉर्म डी फील्ड फॉर रिसर्च वर्क और उसके लिए फिर मैंने जो है ना थोड़ी सी रिसर्च की थी ठीक है तो आप उसमें ये सब बोल सकते हो अगर आप आगे जाके मतलब ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो तो आप इससे रिलेटेड भी चीजें बोल सकते हो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाह रहे हो तो आप वहां पर भी जा सकते हो एंड आफ्टर माई दिस आंसर द टीचर वॉज लिटरीली शॉकड एंड टीचर सेट टू मी के ना मतलब आप रिसर्च वर्क में क्यों जा रही हैं मतलब आप मतलब रिसर्च वर्क क्यों करना चाह रही हैं ठीक है तो उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे किया था एंड आफ्टर दैट आई सेट के यार मतलब टीचर से मैंने कहा कि I want to do it because I love researching about. I love to explore. So research में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो exploration से related ही होती हैं exploration based ही होती हैं तो इसलिए मैं ये रिसर्च वर्क करना चाहती हूँ और इसके बाद काफ़ी इंप्रेस हो गई थी वो मेरे आंसर से और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे मैं सेटिसफाई मैं भी थी और वो भी थी कि भाई वो भी सेटिसफाई थी मेरे आंसर से Okay, moving forward, what is this? ंग स्किल्स दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग स्पीकिंग स्किल्स क्या होती है भाई आप लोगों ने सिर्फ वहां पे जाके कैजुअली बात नहीं करनी अब आप कैजुअली बात करोगे तो भाई कैसे पता चलेगा कि आप स्टूडेंट हो वो टीचर हैं लेवल आप लोगों का अलग अलग है आप लोगों का अलग अलग जो है ना वो पेस है तो आप लोगों ने उस लेवल उस पेस को बरकरार रखते हुए अपने स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर भी काम करना है स्पीकिंग स्किल्स क्या हैं यूज बोल्ड वर्ड्स भाई वो कैबलरी अपनी अच्छी कर लो अ, मेरी भी खैर इतनी अच्छी तो नहीं थी वो कैबलरी उस टाइम पे तो लेकिन यह कि एक्सप्लोरेशन अगेन एक्सप्लोरेशन से आप लोग को पता चलता है कि यार मतलब आप लोगों को ये वर्ड्स यूज करने चाहिए तो यूज एंडोनियम सिनोनियम का अगर कभी जिक्र हुआ हो कभी पढ़े हो तो पता होगा भाई यूज सिनोनियम्स और ऑफिशियल सिनोनीम्स यानी कि कैजुअल सिनोनीम्स ना हो ऐसे सिनोनीम्स ना हो जो कि आप कैजुअल लेवल पे यूज़ कर सकते हो लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ उन लोगों के साथ जिनके साथ आप फ्रेंक हो उनके साथ नहीं हो okay? के तो आप लोग जो है ना बोल्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करें और इसके बाद स्पीक कॉन्फिडेंटली स्पीक कॉन्फिडेंटली अगर आप इस तरह से जाओगे भाई डर डर के कि भाई ये क्या होगा एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा भाई देखो आप भले आप फील्ड के लिए जा रहे हो एडमिशन के लिए जा रहे हो या आप इसके लिए जा रहे हो जॉब के लिए जा रहे हो अगर आपके अंदर डर होगा ना तो वो आप लोग को पहली मरतबा में ही मतलब आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे ठीक है देखो ये जो जिना का इंटरव्यू होगा जिना से मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये तो बहुत छोटे लेवल पे होगा लेकिन अगर कभी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पर क्या होगा कि आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा ना तो मतलब आप लोग का मामला काफी खराब हो जाएगा तो स्पीक कॉन्फिडेंटली ठीक है और इसमें यह है मैं अपने आपको कैसे मोटिवेट करती हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो मना कर देंगे ना तो वैसे भी तो जिंदगी गुजर रही है ना तो मतलब गुजर जाएगी इसके बगैर भी तो भाई जो काम होना होता है ना वो होता है ठीक है तो मतलब अल्लाह ताल की मर्जी जहाँ पे शामिल होती है वो काम हो जाता है तो स्पीक कॉन्फिडेंटली लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई भाई, भाई बिल्कुल ही मतलब आप जो है ना अब मार खान बन के चले जाओ नहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना बस वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो है ना वो लिमिट से ज्यादा भी नहीं चाहिए और लिमिट से कम भी नहीं चाहिए बस रेंज में होनी चाहिए तो आपने आपको उस लेवल पे रखना है ठीक है और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है स्पीक इन अ प्रोफेशनल टोन राइट Uh, अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस वक्त मैं आप लोगों से जिस तरह से बात करूँ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट राइट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ फ्रैंक इन्वायॉर्मेंट आई एम ट्राइंग इस तरह से बात करूँ कि लोगों तक मेरी बात पहुँच भी जाए स्टूडेंट्स तक जूनियर्स तक और मेरी बात अच्छे तरीके से पहुँचे ठीक है तो आप लोगों ने क्या करना हर जगह का ना एक uh, कह लो एक जो है ना वो निज़ाम होता है ठीक है एक uh, एक तरह सिस्टम होता है सिस्टमेटिक चीज़ें चलती हैं तो सिस्टमेटिक चीज़ों में जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हो जब आप मतलब अकैडमिक्स लेवल पे जा रहे हो ऑफिशियल लेवल पे जा रहे हो तो अपनी टोन को कैसा रखना है अपनी टोन को प्रोफेशनल रखना है राइट तो ये तो थी स्पीकिंग स्किल्स मूविंग फॉरवर्ड वी हैव हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट तो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए जाते हैं अगेन अकेडमिक लेवल पे भी किए जाते हैं यानी कि एडमिशन लेवल पे भी जिना यूनिवर्सिटी का काफ़ी छोटे लेवल पे होता है लेकिन आपको पता है ऑफिशियल लेवल पे तो बेस इंटरव्यू पे कर रहा होता है ना वहाँ पे तो डायरेक्ट आपसे बात की जाती है और यहाँ पे तो भाई टीचर्स बात करते हैं आपने इन्हीं टीचर्स से पढ़ना होता है लेकिन जब आप ऑफिशियल लेवल पे जाते हो ना तो क्या होता है कि आप लोग से वो लोग क्वेश्चन करते हैं जिनके अंडर आप लोगों ने काम करना है जो फ्यूचर में आपके बॉस होंगे जो फ्यूचर में आपके कंपनी होल्डर होंगे जो शेयर जो है उनमें उन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है तो अः आपसे हॉबीज भी पूछें ताकि वो ये देख सकें कि ये जो बंदा है ये फारत में फारग ही रहता है या फिर Uh, कोई काम का काम भी करता है तो uh, मैंने जस्ट अनप्लान्ड चीज़ें थी क्योंकि मैं ये चीज़ें करती थी और स्टिल अभी तो पेंडिंग है क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं तो अभी पेंडिंग है लेकिन हाँ यूज़ टू डू इट एंड आई स्टिल डू एन माई लाइजर टाइम तो uh, ये क्या चीज़ें हैं क्रिएटिव राइटिंग है कंटेंट राइटिंग है कंटेंट राइटिंग तो मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा इंस्टाग्राम पर जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बिज़नेस मैनेजमेंट का भी एक ऑनलाइन कोर्स था उसमें मैंने इन किया था वो भी है ऑनलाइन डिग्रीज़ वग़ैरह में भी मैं काफ़ी एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि क्या चल रहा है तो बेसिकली आपकी एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल लेवल पे कितनी है आपकी आपका रिसर्च वर्क इंटरनेशनल लेवल पर कितना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट ओके इस पर बहुत ध्यान से बात सुननी है क्योंकि जो आ, फेवरेट सब्जेक्ट है ना इससे रिलेटेड मेरे पास दो से तीन बातें हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट में भाई आप लोग नहीं बोलोगे भाई हम तो ये बोल देंगे ये बोल देंगे ये बोल देंगे ये बोल देंगे नहीं ऐसा नहीं है सोच के जाओ इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को क्वेश्चन पता चल जाए तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो ठीक है वट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट वो आपसे पूछेंगे तो भाई अः इसका मैं आपको बताती हूँ मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि जब उन्होंने मुझसे पूछा वट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट आई लाइक यार मैं तो फंस गई अब मैं क्या करूंगी अब मैं किस तरह से आंसर करूँगी क्योंकि भाई देखो आपकी बहन के साथ क्या मसला है आपकी बहन को सिर्फ बायो आसान लगती थी और बायो में ही मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मतलब फिजियोलॉजिकल नाटमिकल बायो केमेस्ट्रिकली मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छी लगती थी ठीक है तो वट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट में मुझे था कि मैं बायो बोलूंगी आई वॉज अबाउट टू स्पीक बायो बट वट है द टीचर द टीचर जस्ट दस डेटेड माई ड्रीम्स लिटरली उन्होंने क्या किया दे साइड कि भाई आप बायो नहीं बोल सकती आप बायो इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि बायो तो हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो हम बायो के अलावा आपसे पूछ रहे हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है And I was like, यार मैं कब मैं क्या करूँ अब मैं क्या बोलूँ अब क्या होगा तो उसमें ये सीन है कि उसमें ऐसा होता है कि मैंने सोचा भाई अगर मैंने केमिस्ट्री बोली ना बोला कि भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो बहन फंसोगी फँसोगी क्योंकि ऑर्गेनिक के रिएक्शंस क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं तो आ, मेरा जब इंटरव्यू था ना तो मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे पता नहीं था कि इंटरव्यू है ठीक है मुझे पता ही नहीं था कि इंटरव्यू है और मेरे पास ईमेल भी आ चुकी थी और लेकिन मैंने ना ईमेल देखी थी और ना ही मुझे था कि मतलब ईमेल होगी आई होगी या मतलब मैंने देखी ही नहीं थी सो so, इसमें तो कम्प्लीटली मेरी अपनी गलती है लेकिन आई एडमिट इट एंड हुआ कि आई वॉज स्लीपिंग एंड सडनली जे एस एम यू यानी जिनाच मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आती है कि भाई आपको एक घंटे के अंदर पहुँचना है इंटरव्यू देने के लिए यू हैव टू अपेयर इन द इंटरव्यू और उस टाइम पे ऐसा था कि भाई एडमिशन चाहिए था तो एडमिशन के लिए क्या किया एडमिशन के लिए मतलब हमने भागना था हमें जो है ना आगे जाना था तो भाई हम परेशान हो गए कि भाई अगर हम इंटरव्यू में नहीं जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे तो मतलब हमारे क्या होगा ठीक है उस टाइम पे डाओ के एडमिशन अभी मतलब टेस्ट हो चुका था मेरिट लिस्ट आ चुकी थी मेरिट नंबर्स नहीं आए थे तो उस टाइम पे था कि भाई जहाँ पे भी सेफ साइड दिख रहा है वहाँ पे जाओ तो इसलिए था कि हमने भाई पहुँचना था अब मेरे घर से जो है ना जिनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी एक से डेढ़ घंटे के रास्ते का रास्ता है बहुत दूर है तो और उन्होंने कहा था कि एक घंटे में पहुँचना है सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा महासा मेरे लिए कि भाई मुझे वहां पहुँचना है फिर सब फिर यार क्या चीजें आ जाती हैं फिर चीजें आ जाती हैं ड्रेसिंग ड्रेसिंग का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि भाई आपकी ड्रेसिंग से भी ये चीज़ जाहिर होनी चाहिए आपकी वो ग्रेस दिखनी चाहिए वो फील होनी चाहिए फील होना चाहिए कि भाई आप स्टूडेंट हो आप मैं कुछ लाइक जोकर बन के चले जाऊँगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना तो आपको जो है ना हिसाब से किस जगह पे कहते हैं ना जैसा देश देश वैसा भेज तो उस लिहाज से जिस जगह पे जाना होता है उस लिहाज की ड्रेसिंग करनी होती है ओके तो ड्रेसिंग भी थी ये सारी चीज़ें भी थी और फिर मुझे कुछ पता भी नहीं था कि इंटरव्यू कैसा होगा अब जब मैं वहाँ पहुँची तो एक स्टूडेंट बाहर आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा नाया सर तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जितना आप ज्यादा बोलोगे ना उतना वो ज्यादा पूछेंगी तो इसमें ज्यादा मत पूछो ज्यादा मत बोलो तो फिर वो ज्यादा पूछेंगी इस लिहाज से नाया सर तो उन्होंने मुझे बताया कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अगर आपके सामने Uh, मैं इसको आसान फाजों में बताती हूँ कि फ़ॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या किया आप लोगों ने मस्ती मस्ती में दिन गुजार दिया आप लोगों ने बोला कि भाई अभी तो असाइनमेंट में बहुत टाइम है अभी आराम से जैसे हम कहते हैं ना कि अभी हम बहुत टाइम है पेपर्स में तब पढ़ेंगे तो इस तरह से तो आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं बनाया और आप लोग भूल गए और जिस दिन आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले लो ले। फॉर एक्ज़ाम्पल फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का था अनाटवीं का नाटवी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है और अनाटवीं जो है ना अः उसके असाइनमेंट्स मिलते भी बहुत ज्यादा है और अनाठवी की टीचर जी सबसे ज्यादा मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि ऐसा वैसा लफ्ज नहीं होना चाहिए लेकिन अनाठवी की टीचर्स बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं ज्यादातर ठीक है तो भाई आप लोगों ने भाई दिन गुजार दिया मस्ती मस्ती में कि भाई हम तो आराम से बनाएंगे हम तो चीते हैं हम तो आराम से असाइनमेंट बना लेंगे हम तो आखिरी मिनट पे बनाते हैं हम तो भाई तीस मार खान है प्रो लोग हैं हम तो हम तो प्रो काम करते हैं सही है तो इस तरह से आप लोगों ने सोचा और फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ आप लोग क्लास में और आप को सडनली पता चलता है कि यार आज तो डेड है अरे आज डेडलाइन है यार नहीं करो यार नहीं सच सच बोलो हाँ भाई आज डेडलाइन है टीचर टीचर निकली बहुत गुस्से वाली तो उन्होंने बोला कि कैसी हैं आप मतलब आपने क्यों नहीं बनाया और मतलब आपको अच्छे से तबियत से उन्होंने डांट दिया अब ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने किससे एक स्टूडेंट से जिन्हें मैं नहीं जानती थी मैं उनसे जस्ट रैंडमली पूछ रही थी कि आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने आंसर किया कि मैं आपसे डेडलाइन मांगूंगी टीचर ने बोला कि मैं आपको डेडलाइन नहीं दूंगी तो आप क्या करेंगी इन्होंने बोला कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ गिव मी सम लाइन और मुझे थोड़ा सा और वर्क दीजिए जिसमें मैं अपना कंप्लीट कर सकूँ तो उन्होंने कहा टीचर ने दैट प्रोफेसर हु वाज कंडक्टिंग इंटरव्यू उन्होंने कहा कि अगर आपको डेडलाइन भी नहीं मिलेगी रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं मिलेगी फिर आप क्या करेंगी तो उन्होंने बोला कि फिर मैं छोड़ दूंगी तो uh, मैं क्या कर सकती हूँ फिर इसके बाद ना जाहिर है उनको नहीं समझ में आ कि वो आगे क्या बोलें तो द टीचर साइड के फिर आप अपने मार्क्स डिटेक्ट करवा लेंगी तो uh, जो स्टूडेंट थी ना उन्होंने बोला कि हाँ हम डिटेक्ट करवा लेंगे तो ज़ाहिर है अब वो परेशान हो गई अब हम क्या बोलें इसके आगे अः uh, तो बस इसलिए जितना पूछा जाए वाय के लिहाज से भी वही जितना पूछा जाए से सिर्फ तो नहीं बोलो अगर कोई बोल्ड वर्ड आता है कोई मोटी मोटी टर्म आती है ना अच्छी खासी टर्म्स आती हैं तो अपने तक रखो अगर वो पूछें तो बोल दो वरना अगर खुद से बोलोगे ना तो वो फिर वही वाली बात है बाल की खाल निकालेंगे और फिर पूछेंगे कि तुमने ये लफ्ज बोला है तो तुम बताओ इसका मतलब क्या और अगर नहीं आएगा ना उसका मतलब तो वही गए काम से ठीक है तो फेवरेट सब्जेक्ट की बात कर रहे थे हम लोग तो फेवरेट सब्जेक्ट में मैंने फिर मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था कि के मैं केमिस्ट्री भी नहीं बोल सकती थी और फिर मुझे बस उर्दू भी नहीं बोल सकती थी भैया आपकी बहन से अगर मीर था मीर या मिर्जा गालिब के कोई क्वेश्चन पूछ लेते वो लोग अगर कोई शायरी वायरी पूछ लेते तो मैं फंस जाती और अगर मैं उर्दू बोलती तो मतलब पी वगैरह बोलती तो पी में भी फंस जाती मैं तो पी एस डी में अगर मुझसे शाराय करा करम के रास्ते पूछ लेते ना तो फिर मेरा तो काम तमाम हो जाता मुझे तो कुछ समझ में ना आता फिर मैं तो भाई फिर आपकी बहन इमोशनल किस्म की है रोने लग जाती मैं तो इमोशनली थोड़ा वीक हूँ मैं तो खैर वट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट में मैंने बोल दिया फ़िज़िक्स तो अब मैं आर इन साइड लाइक प्लीज़ अल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई आसान क्वेश्चन पूछे कोई आसान क्वेश्चन पूछे प्लीज़ 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 एंड मेरी दुआएं काम आ गई ऑन टाइम पर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज थ्री डायमेंशनल मोशन सो आई सेड कि वो वाला वो चीज जो तीनों एक्सेस में मूव करेगी दिस इज थ्री डायमेंशनल मोशन और दे वर लाइक क्लैपिंग इन द बैकग्राउंड आई वाज इमेजिनिंग दिस ऑल स्टफ सो आई वाज लाइक यार हाँ मैं यू हैव डन समथिंग गुड सो ओके मैंने यहाँ पे अपना इंटरव्यू ख़त्म किया एंड दे जस्ट आस्क मी वन मोर क्वेश्चन कि आपने डाओ का टेस्ट दिया मैंने बोला हाँ दिया बिल्कुल दिया उन्होंने बोला आप यहाँ पे इंटरव्यू देने क्यों आई हैं वहीं आई ऐसे भाई अभी मेरिट नंबर लगा है हम सेफ साइड पे रहना चाहते हैं इसलिए यहाँ का इंटरव्यू भी देंगे यहाँ पर एडमिशन मिल गया तो यहाँ आ जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे ठीक है और अंदर अंदर से यही था कि भाई डाओ में मिल जाए ये वाला सीन था लेकिन खैर मैं ये बोलूँगी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे है होते हैं जिसमें आपको प्रिपेयर करना होता है कुछ जगह कुछ जगह ऐसी होती हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उन जगहों पे आपको क्या देना पड़ता है प्योर रहना पड़ता है तो आई जस्ट आंसर मैम प्योरली जो मेरे जहन में था वही मैंने बोला इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला एंड मुझे लगता है पर्सनली आप लोग के अपने ओपिनियन हो सकते हैं लेकिन हाँ मुझे लगता है कि किसी जगह पे इंसान को जो है ना वो वैसा ही रहना चाहिए असल में तो इंसान को हमेशा वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि वो है लेकिन मैंने कहीं कहीं पे इंटरव्यू में ज़ाहिर सी बात है ये प्रिपेयर तो नहीं थी चीज़ें ये अल्लाह ताला की तरफ से ही था जो भी मैंने बोला था दिस इज़ जस्ट गॉड गिफ्टेड यू कैन से अलहमद तो खैर माय इंटरव्यू वेंट वेल मूविंग फॉरवर्ड दिस नेक्स्ट स्लाइड एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट वही हैं आप बता दो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन म्यूज़िक और डांसिंग और लाइक दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यू कैन जस्ट टेल एम ठीक है मूविंग फॉरवर्ड आई एम मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज ऐसा है कि uh, वीडियो बहुत लंबी हो रही है फिर आप लोग बोलोगे कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एन एलिट इच एंड एवरी थिंग ताकि किसी भी बच्चे के जहन में कोई भी क्वेश्चन क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं तो हमें पता है कि कौन से uh, सवालत ऐसे होते हैं जो इंसान के जहन में आ सकते हैं एज अ स्टूडेंट ठीक है तो आधे घंटे की वीडियो होने वाली है मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज्यादा की होने वाली है तो हम जल्दी जल्दी से एंड हैंडअप करते हैं और आप करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फादर का नेम ऑक्यूपेशन मदर्स नेम ऑक्यूपेशन तो वो बता देना आपके वाले साहब क्या करते हैं और मैंने अपनी मदर का उनको बताया था कि पहले मेरी मदर टीचर रह चुकी है पंद्रह साल और इसके बाद ये है कि फिर पंद्रह साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया था और नाउ शी इज़ हाउस वाइफ सो आस्क मी के अ, मेरी मदर क्या पढ़ाती थी तो खैर आपकी अगर अम्मी कोई ऑनलाइन वर्क करती हैं ये सारी चीज़ें तो बस वो जैसे आपका बैकग्राउंड लेना चाह रहे होते हैं तो आप बता दो भाई क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा बस उनको थोड़ा सा उनकी नॉलेज में आ जाएगा कि क्या है कौन सा बच्चा ऐसा है कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिस के हाँ, क्या काम हो रहा है ठीक है तो वो ये पूछते हैं डू यू हैव अब आप लोग बोलोगे कि भाई उनको क्या करना है ये सब मैं तो मेरा अगेन यही बोलूंगी कि वो सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेना चाह रहे हैं ठीक है ताकि ये आइडिया लेना चाह रहे हैं जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि भाई अगर इतने सारे सिब्लिंग्स अगर हैं और सबके सब एजुकेशन की फील्ड में ही है अभी तक सब पढ़ रहे हैं तो फीस वगैरह और टाइम पे पे होगी या नहीं होगी क्योंकि भाई हमारे यहाँ पैसा बोलता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग किसी को बुरा लग जाए तो अब माजरत लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे बातें हैं सारी और योर होम एड्रेस एरिया वगैरह पूछते हैं मुझसे भी पूछा था तो मैंने एरिया वगैरह बता दिया था अपना रेजिडेंस का ओके मूविंग फॉरवर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट एंड थैंक यू गाइज इथन एवरी टाइम मैं जितना भी आप लोग का सबका शुक्रिया अदा करूँगी बहुत कम है बिकॉज Uh, you guys are so overwhelming, or uh, it's acha response, sir. and you guys are showing me so much love and support. Okay, um, my belly this channel was just created randomly, and uh, I was just sitting and I just thought, yaar uh, I should try, I should give it a try. So I just tried, and um, first video, pe itne views, ke baad, I was motivated once again. लेकिन गाइस ऐसा है कि आप लोग जब मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अप्रोच करते हो ना तो तभी मैं ये वीडियो बना पाती हूँ तभी ये हो पाता है कि लाइक मेरे जहन में आते कि यार अब मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए इसके ऊपर मुझे गाइडेंस जो है वीडियो बनानी चाहिए और अपलोड करनी चाहिए तो आप लोग बस एक काम करें कि इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतने मुझे पता चलता जाएगा कि मतलब ये वीडियो ने आप लोगों की इतनी हेल्प की है या आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है और शेयर टू मेडिकल जूनियर्स क्योंकि आप सब जानते हैं कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट और प्री मेडिकल स्टूडेंट हम सब की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि भाई आप लोग आ, को ज़रूरत होती है कि इसकी गाइडेंस की जो कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं गाइडेंस करते हैं काउंसलिंग करते हैं तो आ, बस आप लोग ये करें कि आप लोग इसको शेयर कर दें टू ऑल ऑफ योर जूनियर्स और प्लीज़ कमेंट डाउन फॉर क्यूरीज एंड प्लीज़ कमेंट फॉर लेटिंग मी नो कि ये वीडियो आपको पसंद आई अच्छी लगी मैंने जो बातें बताई वो हेल्प रही मोटिवेट किया उन्होंने आपको तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल आ, और क्योंकि मैं यहीं से वीडियो को खोल के यहीं से देखूँगी सो मेरे लिए आसानी हो जाएगी तो आप यहीं भी कमेंट्स कर देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी और सब्सक्राइब ताकि जब भी मैं कोई नए क्वेश्चन नए क्वेरी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले उसका जो है ना वो नोटिफिकेशन मिल जाए एंड प्लीज़ गाइज डू फॉलो मी अपॉन इंस्टाग्राम ऑन इंस्टाग्राम मै महक So please, please, please follow me uh, there and as. यू गाइस कीप कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग मी टेक्सटिंग मी प्लीज़ आप लोग बस ऐसे ही मुझसे क्वेश्चन पूछते रहे ताकि ये वीडियोज का सिलसिला इस तरह से जारी रहे और आई होप कि ये जर्नी इनशाला बहुत अच्छी रहेगी आप सबके लिए और गाइस बस टेक केयर आई वुड से जस्ट बेस्ट ऑफ लक इनशाला जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा और प्लीज आप एडमिशन लेट मी नो कि आप लोग का कहाँ का एडमिशन हुआ कौन कौन सी फील्ड में हुआ सैटिस्फाइड हैप्पी तो बस कैंडली लेट मी नो okay guys so this is enough for today um i would say Allah first take care everyone Allah first.